कृष्ण भगवान की स्थिति प्रज्ञता क्या होती है बाबा? क्या होता है स्थिति प्रज्ञ होना? जहां सहजता से सब काम होते चले जाएं, उस स्थिति का नाम है सहज प्रज्ञता, स्थिति प्रज्ञता। तुम्हें कुछ करना ना पड़े, तुम कर्ता ना बनो, तुम भोक्ता ना बनो, सहजता से जो घट जाए वो है स्थिति प्रज्ञता। अनायास अप्रयास जो घट जाए वो स्थिति प्रज्ञता। भगवान कृष्ण गीता में बड़े से बड़ा शब्द जो प्रयोग करते हैं वो यही है स्थिति प्रज्ञता। तो स्थिति प्रज्ञता का गहनतम अर्थ क्या होता है? आपको उदाहरणों से स्पष्ट करूंगा। जो बात आप न करो और हो जाए वो घटना, जो आपके सहयोग के बिना घटे, समझते जाना, सूक्ष्मतम शब्द हैं। मुझे कल ही मैसेज आया किसी माता का कि आपकी बातों को 5-5, 6-6 बार सुनना पड़ता है और हर बार उसके अर्थ बदल जाते हैं। ऐसा ही होगा, जैसे जैसे गहराई में आप सुनोगे वैसे वैसे गहराई में आप पहुंचोगे। और जब परम गहराई से सुनोगे, सुनिए दुख पाप का नाश। इसका मतलब यही था, गहराई से जब आप सुनोगे तो आपके पाप और दुख विदा हो जाएंगे। पता चलेगा गहराई में जाने पर कि जिसे दुख हो रहा वो भी मैं नहीं, और जो पाप कर रहा वो भी मैं नहीं। प्रमुख विषय पर आए हम, स्थिति प्रज्ञता जो सहजता से घटित तो हो जाए। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक शब्द बोला, हंसी बा, खेली बा, धरी बा, ध्यान। हंसते रहो, खेलते रहो और ध्यान धरते रहो, शब्द हैं, कहने में ऐसे ही आए, ऐसे ही बोल दिए गए। सहजता से जो काम होता है और तुम्हारा उस पर कोई वश नहीं होता, वह स्थिति प्रज्ञता से निकला हुआ कर्म है। जैसे आपको मैं समझाऊं, आपने देखा होगा कभी कभी आपके शरीर का कोई अंग फरकने लग जाता है, बाहें फरकने लग गई, माथा फरकने लग गया, आंख फरकने लग गई, होंठ फरकने लग गया, शरीर के कहीं से भी आपका कोई अंग फरकने लग गया तो हम क्या कहते हैं? हम वहम में पड़ जाते हैं। बाई आंख फरके तो कुछ बुरा सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा,
दाया कान फर्क है तो कुछ शुभ समाचार मिलेगा, दाई आंख फर्क है तो कुछ शुभ देखने को मिलेगा, मस्तक फर्क है तो प्रिय व्यक्ति के दर्शन होंगे। ऐसे हमने अलग अलग फर्कने के अर्थ निकाल लिए और अंग फर्कने के फल ये आपको अक्सर सभी पंचांगों में मिल जाएंगे, भ्रम के सिवा और कुछ नहीं। वायु की निकासी है, वायु निकलती है, हाथ से निकले, ऊंट से निकले, आंख से निकले, मस्तक से निकले, वायु जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो वो अंग फर्कता है और इसके सिवा इसका कोई महत्व नहीं होता। वह फर्कना क्या आप रोक सकते? अंग फर्कने लग गया, आप चाहो रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। इसे कहते स्थिति प्रज्ञता, सहजता से आया हुआ कर्म जिस पर हमारा कोई जोर नहीं, हमारा कोई वश नहीं, जिस कर्म पर, जिस घटना पर, वो कहलाती है स्थिति प्रज्ञता से घटी हुई घटना। दो चार दिन पहले एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया कि जब अर्जुन के ढीले बाणों को देखकर भगवान कृष्ण गुस्से में आ गए और कहने लगे, तुम्हारे ये बाण तीक्ष्ण नहीं होंगे, ये पोते के बाण हैं अर्जुन, मुझे ही युद्ध में कूदना पड़ेगा, मुझे ही अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी होगी और नीचे उतर के रथ से रथ का पहिया निकाल लिया, उठाने लगे। भीष्म पितामह उस दिन कहर ढा रहे थे, लाशें बिछाती थी। कृष्ण ने जैसे ही वो रथ का पहिया उठाया तो कंपे अर्जुन, अर्जुन भागे, उनके चरण पकड़ लिए। ऐसा मत करो वासुदेव, ऐसा मत करो, अब पोते के बाण नहीं निकलेंगे, अब अर्जुन के बाण निकलेंगे, तुम कृपा करके अपनी प्रतिज्ञा को भंग ना करो। अगर तुम्हारी प्रतिज्ञा भंग हो गई तो बड़ी मुश्किल आएगी, मैं दोषी ठहराया जाऊंगा, लेकिन आप कृपा करो एक बार मुझे मौका। और भगवान कृष्ण ने देखा अर्जुन को, भावना को, पहिया नीचे रख दिया, चले सारथी बन गए। पूछा मुझसे प्रश्न कि क्या कृष्ण स्थिति प्रकृति को उस वक्त खो दिए थे? नहीं खोए थे, यही तो बात है। आप कहोगे खो दिए थे, ये क्रोध आया और क्रोध बुरा नहीं, प्रकृति ने उस वक्त कृष्ण में क्रोध पैदा कर दिया और सहज है कृष्ण, असहज नहीं। ना तो प्रेम को रोक पाते हैं गोपियों के मध्य, ना क्रोध को रोक पाए शिशु बाल के वक्त, और अब भीष्म पितामह के तीक्ष्ण वाणों के प्रहारों से मरती हुई जनता को देख क्रोध को रोकते नहीं, जो सहजता से
स्वीकार कर ले सभी घटनाओं को, वह स्थिति प्रज्ञ। इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसी मिलती हैं। गुरु तेग बहादुर का सिर काटा गया और उनके पुत्र गुरु गोविंद सिंह जी ने वो सिर डाला झोली में, चले गए। कितनी बड़ी घटना थी, शायद तुम देख भी ना पाओगे। चार पुत्र कुर्बान हुए तो बड़े पुत्रों की लाश पड़ी, घोड़े पे सवार गुरु गोविंद सिंह निकल रहे हैं, साथ में सिपह सैलार हैं, सेनानी हैं, लड़ाकी हैं। आगे देखते हैं, दो बड़े पुत्रों की लाश पड़ी है, सैकड़ों घाव हैं उसके शरीर में, दुश्मन ने बड़ी बेदर्दी से मारा। और अपनी सहजता में गुरु गोविंद सिंह चल रहे, लाश के ऊपर से घोड़ा लांग जाता है, लेकिन वो साथ चलते प्रहरी बोले, गुरु जी रुक जाइए, ये आपके पुत्र की लाश है। ये होती है स्थिति प्रकट, ना कोई बैरी ना बेगाना, सब एक, और बाकी के जो पड़े वो कौन सा गैर थे, मेरे लिए ही लड़े, मेरे ही पुत्र थे, मेरे ही पुत्र हैं, इसीलिए तो ये शब्द बोल पाए। चार मुवे तो क्या हुआ, जीवत कई हजार। ऐसी घटनाएं हैं, आंख से एक बूंद अश्क का नाटक का। कलेजा भी दीर्ण न हुआ, चार चार पुत्रों की लाश देखकर छोटे छोटे बच्चे 5-7 साल के दीवारों में चिन्हने लगे, वो दुष्ट धृष्ट शैतान। कोई भी इस दृश्य को देख ना पाया, हा के नारे लगे। जालिम हृदय थे, हृदय थे नहीं पत्थर थे। चिने गए, लेकिन गुरु गोविंद सिंह ने आह न भरी, आंसू ना आए, हृदय भी ना रोया। इसे कहते हैं स्थिति प्रज्ञता, सच्ची स्थिति प्रज्ञता। ये कोई फिल्म की एक्टिंग ना थी, फिल्म से बिल्कुल उल्टा। फिल्म में रोना आता नहीं, ग्लिसरीन डालकर रोना पैदा किया जाता है। यहां आंसू आए ही नहीं, घटना कहीं विदीर्ण हृदय को करने वाली घट गई, लेकिन आंसू नहीं आए। इसे कहते हैं स्थिति प्रकृति।
सहजता से जो कर्म घट जाए, सहजता से जो घटना घट जाए, पूरा शब्द सुन लीजिए, और आपका हृदय उसे सहज स्वीकृत कर ले, सहजता से जो घटना घट जाए और आपका तमाम अस्तित्व उसे संपूर्णता से स्वीकृत कर ले, स्वीकार कर ले, उस मनोदशा का नाम है स्थिति प्रकृति। भीतर का डिया अडोल, भीतर की लोग अकम, कितना बड़ा हवा का झोंका था, तूफान था, गुरु गोविंद सिंह के लिए तूफान था, अंधेरी का तूफान था, लेकिन उनके भीतर का दिया, उनकी लो कंपी नहीं, हिली नहीं, वैसे ही जलती रही, अडिग खड़े रहे। ये होती है स्थिति प्रज्ञता। जैसे ही अर्जुन ने पांव छुए, पांव में पड़ा, रोने लगा, प्रभु क्षमा करो, मेरे मोह के कारण आपको आज अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ रही है, मैं दोषी हूं इसके लिए, मुझे माफ कर दो। आगे से तीर अर्जुन के होंगे और ज्यादा शक्ति से चलेंगे, जो पहले आपने तीक्ष्णता देखी अर्जुन के वाणों में, आज उससे भी कहीं ज्यादा शक्ति देखने को मिलेगी आपको। जरा एक बार मुझे क्षमा कर दीजिए, बस मैं समझ गया। सहजता से आया हुआ कर्म था क्रोध, क्रोध आया कृष्ण जैसे व्यक्तित्व, भी कठपुतली है उसके हाथ के। आप पूछते हैं, हम भी पूछते हैं, पूजने योग्य है, हमें जो सिखा के गए निश्चित ही अमूल्य धरोहर है उनकी, लेकिन है कठपुतली ही, ये बात ध्यान में रख लो। आप ईश्वर मानते हो, प्रेम में तो साधारण प्रेमी भी ईश्वर हो जाता है, और प्रेम से जो देखते हैं उनके लिए कृष्ण ईश्वर है। नास्तिकता से जो लोग देखते हैं माओ जैसे, उनके लिए एक मार्गदर्शक है। जो हत्या का संदेश देते हैं, विरोधियों को मार दो, माओ ने यही सूत्र लिया कृष्ण की गीता से, लेकिन राधा ये सूत्र न पकड़ पाएगी, ये शिक्षा न पकड़ पाएगी, गोपियां ये शिक्षा न पकड़ पाएंगी, सुदामा ये शिक्षा न पकड़ पाएंगे। माओ इस शिक्षा को पकड़ लेंगे कि ये हत्यारा ये कहता है कि अपना हक लेने के लिए अगर तुम्हें गर्दनें भी उड़ानी पड़ी तो उड़ा दो, जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तन देखी तैसी, अपनी अपनी जैसी भावना होती है वैसा वैसा विश्लेषण हो जाता है घटनाओं का। जो घटना सहजता से घटी, जैसे आंख फरकी, बाह फटकी, माथा फरक, ऊंट फरक है, जिस पर तुम्हारा कोई वश नहीं, तुम रोक नहीं सकते इस फर्क को,
बहुत लोग मुझे कहते हैं कि 2 दिन से मेरी आंख फर्क रही है, इतनी इतनी देर तक चलती है फर्कन, पर मनुष्य के हाथ में नहीं। मनुष्य के हाथ में है भी क्या, आपके हाथ में क्या है? यद्यपि आप मानते हो कि मेरे हाथ में बहुत कुछ है कुछ भी नहीं, अगले पल का भरोसा ही नहीं, कौन जाने किस घड़ी बिछ जाए, कोई पता नहीं। हमारे हाथ में कुछ नहीं, यद्यपि हम मानते हैं अज्ञानतावश कि हमारे हाथ में सब कुछ है। क्या है स्थिति प्रगति? सहज से जो घटे कुछ भी है, सहजता से जो घटे तुम्हारे हृदय के द्वारा पूर्णतः स्वीकार कर लिया जाए, उस मानसिक स्थिति का नाम है स्थिति प्रकृति। हंसीबा खेलीबा करीबा ध्यान, धरीबा ध्यान करीबा ध्यान या धरीबा ध्यान, चाहे हंसी हो चाहे खलखलाहट हो, खेलते हो कूदते हो फांदते हो और थोड़ा सा और जोड़ते हो, क्रोध करते हो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। अब इस सूत्र को ध्यान से समझ लेना, यहां बड़ी मुश्किल पेश आएगी, खास तौर से सुधारवादियों को तो बड़ी मुश्किल पेश आएगी। आध्यात्मिक जगत के शब्द सामाजिक व्यक्तियों के सामाजिक प्राणियों के समझ में आते हैं। खजुराहो के मंदिर के बाहर की मूर्तियां, नग्न मूर्तियां, मैथुन करती हुई मूर्तियां, सामाजिक व्यक्ति आंख बंद करके चलेगा राम 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 राम, नग्न मूर्तियां हैं वो व्यक्ति की असलियत। खुद की असलियत को व्यक्ति देखने से डरता है, और वहां खजुराहो के मंदिर में क्या है, स्त्री पुरुष की नग्न तस्वीरें, संभोग रथ खजुराहो। समय से परे हो जाएगी सामाजिक व्यक्ति के, वो कहेगा ये बनाने वाला मूर्ख था, और एक जगह पे नहीं है ऐसी तस्वीरें, बहुत से मंदिर बहुत जगहों पे ऐसे हैं, खास तौर से भारतवर्ष में। भारत ने काम को जितनी सहज स्वीकारता से स्वीकारा उतना ही असहज बना दिया बाद में, क्योंकि जब एक्शन होती है तो सहज होती है, जब रिएक्शन होती है तो आप असहज हो जाते हैं। जितनी स्वाभाविक काम की प्रवृत्ति को स्वीकृत किया गया, एक्सेप्ट किया गया मानवता के द्वारा उस काल में, कृष्ण के काल में, उतना किसी काल में सहज स्वीकृत नहीं किया गया। इसलिए किसी गोपी का घर वाला पति उसे रोकता नहीं, तुम क्यों जाती हो कृष्ण के पास, बंसरी सुन उस ग्वाले के पास क्यों जाती हो, नहीं रोकते। और तवे के ऊपर रोटी डालकर भूल जाती, उसकी मंत्र मुग्ध कर देने वाली आवाज, बंसरी की मिठास से भरी हुई तरंगे धुने, उनको पता ही ना चलता कब खिंच के चल गई वो कृष्ण के पास,
ऐसी अद्भुत आकर्षण शक्ति उस बांसुरी की, मदहोश करने वाली आवाज, मदहोश करने वाली धुन, मस्ती से भरी संगीत खींच के चली जाती, रोटी जल जाती, पता ही ना चलता। ये सहजता से हुआ हुआ कर्म था, इसे कहते हैं स्थिति प्रकटता। आपको मैं तरह तरह के उदाहरण देके समझाने की चेष्टा भर कर रहा हूं। और कृष्ण रास जाते हैं और उसको हमने नाम दिया महारास। बाकी रास कृष्ण जो करें वो महारास था, भी महारास कोई शक नहीं, क्योंकि तुम रास जाते हो। आज वृंदावन में रास हो रहे हैं। रास का अर्थ क्या है? जो सहजता से प्रकटन हो वो रास, और महारास जो सहजता से स्वीकृत कर लिया जाए वो महारास। जो ईश्वर की तरफ से इशारा हुआ और तुमने उस इशारे को स्वीकार कर लिया, तुम नाचे। मैंने पहले भी कहा कृष्ण भी कठपुतली हैं उस विराट के हाथ के। तुम अपने प्रेम के कारण उसे परमात्मा मानते हो, यह बात अलग है। मैंने ये भी कहा कि साधारण प्रेम में हीर कह देती है, मैं रांझा हो गई। मुझे हीर मत कहो, मैं रांझे में विलीन हो गई। ये सहज प्रेम है, एक दूसरे में समावृत होने की क्रिया। तो परम विराट जहां महारास टपकता है कृष्ण के आसपास, और इतना महारास टपकता है प्रत्येक गोपी शुद्ध रास की ध्वनियों से भरी पड़ी, परिपूर्ण प्रेम हृदय से उफनता हुआ बाहर आ रहा है, और ऊपर से गगन मंडल से प्रेम बरस रहा है। दृश्य कैसा होगा? और बीच में मुरली की धुन कृष्ण की। और कहते हैं कि प्रत्येक कृष्ण के पास, प्रत्येक गोपी के पास कृष्ण था और प्रत्येक कृष्ण के पास गोपी थी। सबके अलग अलग कृष्ण थे। प्रेम में ही ऐसी घटना हो सकती है। नफरत में द्वैत होता है, होता एक है, तुम अनेक में ढाल लेते हो। प्रेम में एक होता है, अनेक में ढल जाता है, और नफरत में तुम ढाल लेते हो, अनेक को अनेक में, प्रेम में ढाल लेते हो एक को अनेक में। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। एक को सर्वव्यापक बना दिया, और नफरत में अनेक को अनेक में ही रहने दिया। वो तू है, वो मैं हूं, वह वो है। समझना, बहुत गहरे शब्द हैं।
समझ से पार के शब्द हैं, बोलने की चेष्टा से मैं संलग्न हूं, अगर तुम समझ पाओगे तो। स्थिति प्रगता उस सहज बोध की आवश्यकता है, सहज बोध की स्थिति है जिसमें तुम सभी घटनाओं को, ऑल द इवेंट्स, ऑल द हैपनिंग्स, उनको सरल हृदय से स्वीकार कर लेते हो, जैसा होता है उसकी रजा में होता है, उसकी रजा से बिना कुछ नहीं होता। ऐसा स्वीकार करने वाला हृदय, उसको कहते हैं कि यह स्थिति प्रज्ञ हो गया, अपनी ही स्थिति में आ गया, अपनी ही प्रज्ञता में ठहर गया। कृष्ण ठहरे रहते हैं, चाहे क्रोध में, चाहे काम में हो, चाहे किसी भी अवस्था में हो। भीषण तीरंदाजी और बड़े विनाशक शस्त्रों के चलते चलते वो सारथी बनना स्वीकार करते हैं, कह अर्जुन मैं सारथी बनूंगा। जब अग्नि वर्षा होती हो वाणों की, तुम डरोगे, तुम कहोगे नहीं, तुम छुपना चाहोगे, कृष्ण प्रकट होना चाहते हैं। कृष्ण कहते हैं मैं बैठूंगा आगे, अर्जुन तुम बैठना मेरी छाया में पीछे, जो वाण लगेगा मेरे हृदय को चीर कर लगेगा। और अर्जुन कभी घायल नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी तीर कृष्ण को बेंध ना पाया। कृष्ण का कवच इतना विशाल था कि सभी तीर कृष्ण तक आते और रास्ता मुड़ जाता, दिशा भटक जाते, भूल जाते। ये होती है स्थिति प्रज्ञता। स्थिति प्रज्ञता का फिर संक्षेप में अर्थ समझ लीजिए। जो बाबा नानक कहते हैं, जो तुत पावे साई पलीकार, सहजता से जो घटना घट रही है, तुम तो वर्षों तक उसे भूलते नहीं, वर्षों तक किसी भी घटना को जो तुम्हारे बस में नहीं थी उसे भूल नहीं पाते। लेकिन कृष्ण ऐसे हैं कि तत्क्षण घटना घटी, स्वीकृत हुई और भूल गए। जब तुम्हारी मनोस्थिति ऐसी हो जाएगी तब तुम स्थिति प्रज्ञ कहलाओगे। या दूसरी बात भी सत्य है, जैसे ही तुम स्थिति प्रज्ञ हुए तो तुम्हारी मनोदशा ऐसी हो जाएगी, आसपास कुछ भी घटे वो तुम्हारा मन तत्क्षण उसे स्वीकार कर लेगा। जैसे गुरु गोविंद सिंह ने किया, पिता का सर झोली में, पुत्रों की लाश सामने, कोई प्रतिक्रिया नहीं। जैसे ही तुम स्थिति प्रज्ञता में आए, सहजता में आए, और लोग मुझे रोज प्रश्न पूछते हैं सहज योग क्या होता है बाबा, ये होता है सहज योग। स्थिति प्रज्ञता में आना सहज योग है। सभी घटनाओं को ये घटनी ही थी, ऐसे ही घटनी थी, हम इनको रोक नहीं सकते थे, हम उनको दिशा नहीं बदल सकते थे, हम ऐसा नहीं कि इनको होने ना देते, ये घटनी ही थी और इसी तरह से घटनी थी। जैसे ही तुम्हारा हृदय इन सभी बातों को
समूचे तौर पर 100% संपूर्ण हृदय से स्वीकार कर लेता है, उसी वक्त तुम स्थिति प्रज्ञता में आ जाते हो। स्थिति प्रज्ञता इसका नाम है। मन की ये स्थिति जो भी कुछ घटे सहजता से किसी ने शब्द लिखा ऑल द इवेंट्स आर प्री डिटरमाइंड, सभी घटनाएं पूर्व निश्चित हैं। बस इसका दूसरा अर्थ यही था, ये होना ही था, ऐसे ही होना था, इससे अतिरिक्त और कैसे भी नहीं होना था। इस घटना ने घटना था और बिल्कुल इसी तरह घटना था। जैसे ही तुम्हारा हृदय इस बात को स्वीकार करने लग जाए, तुम स्थिति प्रज्ञता में ठहरे। मन तू तड़ाक ना करे, मन बावेला खड़ा ना करे, मन प्रश्न ना उठाए, मन कोई संदेह उत्पन्न ना करे, तुम कोई ड्रामेबाजी ना करो, सहज स्वीकृत हो जाए। मैंने ये शब्द बार बार प्रयोग किया। घटना घटी, सुखद थी या दुखद थी, तुम्हारा परिणाम आया, तुम टॉपर हो गए। सहजता में नहीं रह पाते, पांडव जीत गए, अर्जुन ने कहा मैंने जिताए, भीम ने कहा मैंने जिताए, युधिष्ठिर कहते मैंने जिताए, मैं झूठ ना बोलता, गुरु द्रोण ना मरता, सभी कहते मैंने जिताए, वास्तविकता कुछ और थी। श्राप ना अर्जुन को मिला, ना भीम को, ना युधिष्ठिर को, श्राप मिला गांधारी से, गंधारी बहुत भीतर उतरी हुई औरत थी अपने, क्योंकि आंखों से 50% हमारी शक्ति वह होती है। मैंने पहले भी आपसे बहुत बार कहा, इस बहती हुई ऊर्जा को जो व्यक्ति रोक ले वह ब्रह्मचर्य। तुम सिर्फ मात्र ये समझ जाते हो कि गुप्त इंद्रिय से बहती हुई धाराओं को रोक लो ऊर्जा को, सिर्फ आपको यह नहीं पता कि 50% तो सिर्फ आंखों से ही निकल जाती है, बाकी और भी इंद्रियां हैं। 5 इंद्रियां कानों से सुनने में भी निकल जाती, इनको अगर आप बाहर बहने से रोक लो तो आप सच्चे ब्रह्मचारी कहलाए। काम के द्वारा बाहर निकली गई ऊर्जा को तो रोको ही, इसलिए संतों ने मौन का इतना महत्व बताया। बोलने से भी बड़ी शक्ति वह होती है। बोलने से जब हम एक शब्द बोलते हैं, हमारे शरीर के करीब 15 से ज्यादा अंग काम करते हैं। जब हम बोलते हैं, 15 अंगों को पार्टिसिपेट करना पड़ता है, तब जाकर हमारी आवाज निकलती है। मौन का इसलिए इतना महत्व था। आंखों से बहुत ऊर्जा निकल जाती है, इसलिए जिसने भी ध्यान मैं गहराइयों को छुआ, आंखें बंद करके छुआ, आनंद के क्षणों में तुम्हारी आंखें स्वतः ही बंद हो जाती हैं। आनंद के क्षणों में, क्योंकि ऊर्जा संग्रहित होती है, आंखें बंद हो जाएंगी।
यह प्राकृतिक कर्म है। तो क्या है स्थिति प्रज्ञता? क्या है स्थिति प्रज्ञता? मन और बुद्धि चेतना की वो अवस्था जो तुम्हारे आसपास जो भी कुछ घटित होता है उसको सहज स्वीकृत कर लो तत्क्षण, बिना रोए चिल्लाए बिलखे पिटे पीटे, सहज स्वीकृत घटनाओं को कर लेने का नाम स्थिति प्रकटता है। बहुत व्याख्या से मैंने आपको समझाया, आशा है आप समझ गए हो। तथ्य इसका यही है, जो भी कुछ हो रहा है तुम्हारी इच्छा से नहीं हो रहा है। रात्रि को सो जाते हो, हृदय धड़कता है, तुम्हारा उसमें कोई योगदान नहीं। श्वास चलता है, और ये दोनों मुख्य घटनाएं हैं तुम्हारे जीवन की। श्वास रुक जाए तो गए, हृदय रुक जाए तो गए, आम चला जाए, हाथ चला जाए, शरीर का कोई भी दूसरा अंग चला जाए, व्यक्ति तत्क्षण मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। और कुछ अंग तो ऐसे हैं जो व्यक्ति के न भी हों तो चलेगा, हाथ न हो, बहुत से व्यक्ति ऐसे, पांव नहीं है फिर भी जीवित है। लेकिन अगर हृदय रुक गया, श्वास रुक गया, तो कितनी देर जी पाओगे तुम समझ सकते हो? और इतनी महत घटनाओं को चलाता कौन है? तुम नहीं चलाते, तो अभी समझ नहीं आया तुम्हें कि इतनी महत क्रियाएं जिनसे हमारा जीवन चलता है वो हमारे हाथ में नहीं। तो छोटी छोटी क्रियाओं के ऊपर हम अपने आप को कर्तापन थोप लेते हैं, क्या ये ठीक है? गलत। कर्तापन का न होना, और कर्ता नहीं बनोगे तो भोक्ता भी नहीं बनोगे। सहज स्वाभाविक होने वाली आपके साथ जीवन में या आपके प्रेमी जनों के जीवन में सहज घटनाएं जो घटित होती हैं उन्हें पूर्ण हृदय से तत्क्षण स्वीकार कर लेने का नाम स्थिति प्रज्ञता है। धन्यवाद।